लगातार संघर्ष कर रहे केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर मैनपुरी के प्रधान डाकघर पर डाक कर्मचारियों द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। इस हड़ताल में डाक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं केंद्रीय कर्मचारी परिषद के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मैनपुरी के प्रधान डाकघर पर राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। संविदा कर्मचारियों ने इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे डाक कर्मचारियों की आखिरकार क्या क्या मांगे हैं, यह आप खुद ही सुनिए हड़ताल पर बैठे इन लोगों से। टोटली समाप्त करके और जो भी जितने भी कर्मचारियों की डेथ होती है उनके लीगल हेयर को 100% जो है उन्हें भर्ती किया जाए, उनको जो है नौकरी दी जाए। तो फिर सुना आपने, अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और यह आंदोलन इनका उग्र रूप भी ले सकता है।